हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश की वर्कशीट क्लास थर्ड के लिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द वर्ब इन दीज सेंटेंसेज। जो वर्ब है उनको हमें अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसेज में। वर्ब क्या होती है? द वर्ड विच टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज इज नोन एज अ डूइंग वर्ड और वर्ब। क्या कहा गया है कि वो वर्ड जो कि हमें बताए कि एक पर्सन, एनिमल और थिंग्स जो है वो क्या कर रहे हैं, है ना। सेंटेंस में जिन वर्ड से हमें ये पता चले कि वो पर्सन है, वेदर इट इज एनिमल और कोई थिंग है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें हम डूइंग वर्ड या वर्ब कहते हैं, ठीक है। सो वर्ब ऑल्सो टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज। जो वर्ब है वो हमें सिर्फ यही नहीं बताती कि जो पर्टिकुलर पर्सन है या एनिमल थिंग क्या करे, वो ये भी बताते कि जो एक पर्सन, एनिमल और थिंग वो क्या है, है ना। तो आइए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वर्ब क्या होती है। सो ईट योर ब्रेकफास्ट क्विकली, अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से खाइए। तो यहां पे एक्शन किस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है? ईट से, खाना, खाने से हमें पता चलता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, खाने वाला। माई सिस्टर सिंग्स वेल, मेरी जो बहन है वो बहुत अच्छा गाती है। तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है? गाने का एक्शन। सो सिंग्स, ठीक है। आई होप यू आर इंजॉइंग, और इफ यू आर इंजॉइंग देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोज देखते हो तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है द डॉग बार्क्स एट नाइट, जो डॉग है वो रात को भौंकते हैं। तो एक्शन क्या हो रहा है? बार्क, ठीक है। आई स्विम इन द इवनिंग, स्विम, मैं शाम को तैरता हूं। फादर ड्राइव्स अ कार, तो ड्राइव मतलब चलाना। ग्रैंड मा वॉक्स इन द मॉर्निंग, वॉक, ठीक है। सो ये जो वर्ड जो मैं इनको अंडरलाइन कर रही हूं, ईट, सिंग्स, बार्क, स्विम, ड्राइव्स, वॉक्स, ये सारे एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब है ये। इनसे क्या पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है? जैसे यहां पे हमें पता चल रहा था कि जो सिस्टर है वो क्या काम करती है, वो गाने का काम करती है। जो डॉग है वो क्या करते हैं, रात को भौंकते हैं, ठीक है। आई एम अ डांसर, नाउ द सेंटेंस इज चेंज्ड, आई एम अ डांसर, मैं एक डांसर हूं। अब यहां पे कोई एक्शन तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि जो ये एम है ये क्या बता रहा है हमें कि मैं क्या हूं, है ना, मैं क्या हूं, मैं एक डांसर हूं। द चेयर्स आर न्यू, तो यहां पे आर आएगा, जो चेयर्स है वो कैसी है, नई है। सो एम आर इज, इसके अलावा वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ऑल आर वर्ब्स, दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड का यूज हम कहां पे करते हैं, जहां पे हम पोजेशन दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज हमसे रिलेटेड है या हमसे संबंधित है, ये हमारे पास में है। हैड का यूज हम करते हैं जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है इन द पास्ट में, ठीक है। सो मिनी अ स्वीट स्माइल, मिनी हैज अ स्वीट स्माइल, अभी जो मिनी है उसकी स्माइल कैसी है, बहुत ही स्वीट है। तो ये एक तरह से पोजेशन है कि उसके पास ये चीज है, कि उसके पास क्या है, एक स्वीट स्माइल है। फेबरी हैज 28 डेज, अभी आप कैसे पता करेंगे कि कहां पे हैज आएगा, कहां पे हैव आएगा और कहां पे हैड। देखिए हैज का यूज हम करते हैं विद सिंगुलर नाउन, हैव का यूज करते हैं विद प्लूरल नाउन, और हैड का यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। बट सेंटेंस जो है उसे पता चले कि एक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, यानी कि पास्ट में। वी आर रेड कार, वी हैव अ रेड कार, जो वी है वो प्लूरल है। अनीता ब्लैंक फीवर यस्टरडे, अब ये पहले इसको यस्टरडे को था फीवर, अभी नहीं है, तो ये एक्शन परफॉर्म हो चुका है, तो हम हैड यूज करेंगे। वी हैड फीवर यस्टरडे, ही अ रेड बाइसिकल व्हेन ही वाज इन अ स्कूल, ही हैड अ रेड बाइसिकल, उसके पास एक रेड साइकिल थी जब वो स्कूल में था। दे हैव अ फार्म इन देयर विलेज, गांव में उनके पास एक फार्म भी है। दे हैड अ पैट डॉग लॉन्ग है, वो बहुत समय पहले उनके पास एक पैट डॉग भी था। मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर शॉर्ट फॉर्म, जैसे आई एम को हम क्या कहेंगे, एम, क्या कहेंगे, एम। वी आर को कहेंगे वीआर, वीआर। यू आर, योर। ही विल,
hill, they will, they'll, they are, he is, his. ठीक है, मे बी मैं गलत प्रोनंशिएट कर रही हूं क्योंकि सबके डिफरेंट होते हैं उनकी टंग के अकॉर्डिंग, सो इनको ऐसे ही प्रोनंशिएट करते हैं. दीज आर द शॉर्ट फॉर्म. अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन दीज सेंटेंसेज. तो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है. अ वर्ड दैट शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग विद अनदर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन. वो शब्द जो कि रिलेशन दिखाते हैं एक चीज का दूसरे के साथ सेंटेंस में, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. या डिफरेंट तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो कि पोजिशन बताए किसकी, सब्जेक्ट के इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट की पोजिशन. ठीक है, पोजिशन ऑफ अ सब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज करते हैं. अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन दी सेंटेंसेस. द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट. अब जो कार है वो यहाँ पे नाउन है या सब्जेक्ट आप कह लीजिए. अब वो कहाँ पे पार्क है, उसकी पोजिशन बता रहे हैं उस कार की कि इन फ्रंट ऑफ गेट. तो जो ये इन फ्रंट ऑफ है ना, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है. जे सैट बिटवीन रोनी एंड सनी. अब जे की पोजिशन कहाँ है, रोनी और सनी के बीच में है, तो ये बिटवीन आएगा यहाँ पे. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. जो क्लॉक है वो कहां पर है, उसकी पोजिशन कहाँ है दीवार पे, कि वो ऊपर है. ऑन. आई बोट द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट. मैंने जो वेजिटेबल खरीदी वो कहां से खरीदी, फ्रॉम मार्केट से खरीदी. प्लीज लिसन टू मी, मुझे सुनिए. जून कम्स आफ्टर मे. आफ्टर, आफ्टर बता रहा है कि जो जून है वो मई के बाद में आता है. तो किसकी पोजिशन बता रहा है, जून की पोजिशन बता रहा है कि वो मई के बाद आती है. द ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क. यहाँ पे ऑफ बता रहा है हमें कि जो ड्रेस है वो किससे बनी हुई है, सिल्क से बनी हुई है. ठीक है, सो अभी जो हमने इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, ऑन, फ्रॉम, टू, आफ्टर और ऑफ का यूज किया है, ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं. सो आज के इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही. होप यू लाइक द वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करिएगा. टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.